नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज। अभी जून लास्ट में बरसात की शुरुआत हुई और बरसात की शुरुआत झमाझम बारिश से हुई और इस झमाझम बारिश में ही पटना की ऐसी स्थिति हो गई। क्या लगता है, इस बार पटना में नाव चलेगी या पटना की लोगों की नैया पार होगी बरसात में, या फिर पहले जैसी बाढ़ की स्थिति हो जाएगी, बिल्कुल नाव चलने वाली? जहाँ NDA दावा कर रही है कि मेरी सरकार पूर्ण रूप से सफलता से सरकार चला रही है, हर काम में सफल है और पटना नगर निगम में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं ताकि जल निकास आसानी से हो जाए, और झमाझम बारिश में ऐसी स्थिति हो गई। आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से मिलते हैं, उनकी क्या कहना है और उनकी क्या परेशानियाँ हैं। बिजली की परेशानी है, पानी बहुत दिक्कत हो रहा है, पीने उने के लिए नहीं, तो सप्लाई बंद है, रात को लाइन काट दिया गया है, बच्चे अंधेरे में है पूरा, टेमर से कोई लेना देना नहीं है। निर्माण तो हुआ है, अभी चालू नहीं हुआ है, अभी नया तो बना के गया है, उस सबको चालू नहीं किया गया है, अभी बंद है, अभी कहीं से कनेक्शन नहीं हुआ गया है। पूरा घर में पानी घुस गया है, सब बाल बच्चा देखा रोड पर खड़ा है, इतना से परेशानी का होगा बाबू, देखिए रहे हैं, हर साल ऐसे दिक्कत होता है। नगर निगम थोड़ा ध्यान देते तब ना, हर चीज के ध्यान दिक्कत है हम लोग के, सब चीज के दिक्कत है हम लोग के, सब है लाइन बिजली नहीं, फसल चार्ज होगा।